हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल देसी मैथ 16 में। दोस्तों आज भी अपन एक मैथ का प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। दोस्तों प्रॉब्लम है आज की 8 की पावर x प्लस 8 की पावर x प्लस 8 की पावर x प्लस 8 की पावर x इक्वल टू देर का है 8। दोस्तों इस प्रॉब्लम को अपने को सोल्व करना है और एक्स की वैल्यू क्या आएगी वो ज्ञात करना है। तो क्या आप तैयार हैं प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए? चलिए दोस्तों आप सोल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। दोस्तों यहाँ पर आप देखो तो सभी क्या है, सेम है, 8 की पावर x सेम है। तो यहाँ अपन अपन इसको लिख सकते हैं कितनी बार है, 4 बार है। तो 4 × 8 की पावर x इक्वल टू 8। दोस्तों कोई भी नंबर समान संख्या होती है, जैसे a है प्लस a प्लस a, ये कितनी बार जुड़ा हुआ है, 3 बार जुड़ा हुआ है। तो इसको अपन लिख सकते हैं 3a। वैसे ही अपन ने यहाँ पर लिख दिया 4 × 8 की पावर x इक्वल टू दे रखा है 8। अब दोनों तरफ अपन क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ। तो देखिए 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 × 8, तो 8 की पावर x इक्वल टू कितना आया 2। 8 की पावर x इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया। अब यहाँ पर 8 की पावर x है तो अपन 8 को लिख सकते हैं, 8 बराबर लिख सकते हैं 2 की पावर 3। क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। तो 8 के स्थान पर लिखेंगे 2 की पावर 3, इसकी और पावर कितनी है, x इक्वल टू 2। दोस्तों यहाँ पर 2 की पावर कुछ भी नहीं है तो अपन लिख सकते हैं 2 की पावर 1। क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 लिख दिया। अब यहाँ पर अपन एक फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। दोस्तों क्या करेंगे यूज, a की पावर n, इसकी होल पावर यदि n होती है तो क्या होता है मेरे दोस्तों, a की पावर m गुणा n हो जाता है। क्या हो जाता है, a की पावर m गुणा n। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर करेंगे अपन। तो यहाँ पर 2 की पावर 3 है, फिर इसकी होल पावर कितनी है, x है। तो ये दोनों पावर है ना, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, जैसे यहाँ पर हुआ m गुणा n। तो 2 की पावर 3 × x इक्वल टू 2 की पावर 1। अब इधर वाला बेस और इधर वाला बेस दोनों क्या है, समान है। तो दोस्तों यहाँ पर पावर भी क्या होगी, समान होगी। तो यहाँ पर 3x बराबर क्या जाएगा, 1। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, 1/3। अपने पास में x की वैल्यू कितनी आई, 1/3। क्या ये चीज सही है? तो यहाँ पर अपन वैल्यू रख के देखते हैं। देखें x के स्थान पर 1/3 रखेंगे, तो 8 की पावर 1/3 प्लस 8 की पावर 1/3 प्लस 8 की पावर 1/3 प्लस 8 की पावर 1/3 इक्वल टू कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। अब दोस्तों अपन ने 8 को क्या लिखा था, 2 की पावर 3। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 की पावर 3, या ऐसे लिख सकते हैं अपन। अपन ऐसे नहीं लिखना है, यदि 2 की पावर 3 सभी को लिखेंगे टाइम लग जाएगा। तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 × 8 की पावर 1/3। अब 8 के स्थान पर क्या लिखेंगे अपन, यहाँ पर 8 के स्थान पर क्या लिख देंगे, 2 की पावर 3। क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3। तो 4 × 2 की पावर 3, इसकी और पावर कितनी है, 1/3। अब ये पावर, ऊपर वाली पावर, बाहर वाली पावर और अंदर वाली पावर क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी किस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से। तो यहाँ पर आ जाएगा 8 है आगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 की पावर 3 × 1/3 × ये नीचे क्या है, 4। तो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 की पावर 1 यानी कि 2। 4 × 2 2 × 4 इक्वल टू कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। और अपने को लाना भी क्या था दोस्तों, 8 लाना। तो अर्थात अपने पास में जो x बराबर 1/3 आया वो एकदम करेक्ट है। दोस्तों अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी आपको। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, और इस चैनल पर नए हो तो जल्दी से इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अपन यहाँ पर मैथ के प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय सियाराम।